नमस्कार। खबरें उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। हम आपको इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जनपद अमरोहा से दिखा रहे हैं, जहां पर पत्रकार के साथ मारपीट के संबंध में डीएम और एसपी अमरोहा को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद अमरोहा के हसनपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शेरनगली थाना क्षेत्र उजारी का है पूरा मामला, जहाँ पर आबेद क्लिनिक के खिलाफ पत्रकार ताज मलिक ने मंडल केसी समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की थी। इसी के चलते पत्रकार से रंजिश मानते हुए डॉक्टरों ने ताज मलिक पत्रकार को फ़ोन किया और कुछ बात करने के लिए अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद पत्रकार के साथ डॉक्टरों ने जमकर मारपिटाई की। पत्रकार का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी के चलते आज सभी पत्रकारों ने एसपी और डीएम अमरोहा को ज्ञापन सौंपा। डीएम और एसपी ने सभी पत्रकारों को आश्वासन दिया कि डॉक्टरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्द ही इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। वहीं डीएम ने कहा कि इनके क्लिनिक पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच कुछ पत्रकार मौजूद रहे, मोहम्मद वसीम, मनोज कुमार, ताज मलिक, इकबाल अंसारी, गौरव श्रीमाली, आनंद चौहान, सतपाल पाल, उदल शाहिद, सुनील कुमार, मेहंदी हसन और भी पत्रकार साथी मौजूद रहे। अमरोहा से मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट। पुलिस की व्यवस्था की गई है, सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की व्यवस्था की गई है, साफ सफाई, विद्युत इंसुलेशन की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था और रास्ते में जो गड्ढे हैं उनको बनवाने की व्यवस्था की गई है और कांवड़ियों के रुकने के जो स्थल हैं उनके सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और हर तरह की व्यवस्था में कांवड़ को हम लोग अच्छी तरीके से मामला है कि हमारे एक पत्रकार के साथ गलत व्यवहार करते हुए उसे पीट दिया गया था, उस पर फर्जी का आरोप लगाया गया था, जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। हमने डीएम एसपी साहब को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई मुकदमा जब किया जाए, जब उसकी जांच हो जाए। अगर पत्रकार गलत है, जाँच के बाद गलत सिद्ध होता है तो उसके खिलाफ मुकदमा हो, वरना उस शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो। सुरक्षा परिषद के तहत एक ज्ञापन सौंपा गया है जिसमें एक ताज मलिक पत्रकार हैं, उनके साथ जो है मारपीट की घटना हुई थी और जिसका एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो, जिसके तहत पुलिस ने उसमें कानूनी कार्रवाई भी करी थी और मुकदमा दर्ज किया गया डीएम एसपी महोदय साहब से। इसलिए मिला गया कि उन पर जो है गिरफ्तारी नहीं की गई है और गिरफ्तारी करने को लेकर हमने मांग रखी है, राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद ने उसकी मांग रखी है और जो है पत्रकारों पर जो फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं उनकी पहले जाँच की जाए, उसके बाद ही मुकदमे लिखे जाएँ। उस पत्रकार पर लगाए हैं कि वो फर्जी है। अभी हमने डीएम साहब और एसपी महोदय से भी इस बात को हमने रखा था कि जो है कुछ अखबारों ने जो है टैग लगा कि फर्जी पत्रकार की जो है पिटाई की गई, वो फर्जी नहीं थे और उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई भी खबर लेखनी जानता है और वो लिखता है और वो ट्वीट करता है या हमें भेजता है तो वो भी अपने आप में पत्रकार है, उसे फर्जी। डीएम और एसपी महोदय को हमने जो है हमारे एक पत्रकार के साथ जो घटना घटित हुई मारपीट की और वीडियो वायरल हुआ था उसके तहत हमने जो है डीएम महोदय और एसपी महोदय से कहा है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो अवैध तरीके से जो संचालित हैं अस्पताल उन पर जो है हम लोग कार्रवाई करें। जो हमारे पत्रकार के साथ मारपीट हुई थी उसकी वीडियो वायरल हुई थी तो एसपी साहब ने उस पर तुरंत संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करा दिया है। उसी संबंध में आज हमने डीएम साहब को और कप्तान साहब को ज्ञापन सौंपा है।